दोस्तों, क्या केजीएफ चैप्टर 2 के मेकर्स करने जा रहे हैं एक बड़ी गलती, या तो इसे क्या केजीएफ चैप्टर 1 जो क्या काफी ज्यादा शानदार लगी है और उसमें अब यहाँ सब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं केजीएफ चैप्टर 2 का, और उसमें क्या केजीएफ चैप्टर 1 की एक खास बात दिखी थी, क्या इस फिल्म में यश की आवाज जो कि काफी दमदार लगती है और यह यश के बोले गए डायलॉग्स जो कि रहे थे एकदम गजब के। लेकिन जिसकी मीडिया पोर्टल्स के जरिए जानने को मिल रहा है कि यहाँ इस बार केजीएफ चैप्टर 2 के मेकर्स यहाँ पर यश की आवाज को डब नहीं कराने वाले हैं और उसमें फिल्म में यश खुद अपनी आवाज देने वाले हैं। यानी कि जैसे कि यहाँ केजीएफ चैप्टर 1 में यहाँ पर यश की आवाज जो कि बने थे सचिन गोले, और जैसे कि यहाँ पर देखा भी जाए तो यह सचिन गोले ने काफी शानदार डबिंग की थी और यहाँ पर सचिन गोले की आवाज यश की आवाज के तौर पर एकदम परफेक्ट बैठ गई थी। लेकिन जैसे कि जानने को मिल रहा है कि मेकर्स का मानना है कि यदि यश खुद अपनी आवाज केजीएफ चैप्टर 2 में देते हैं तो ये काफी दमदार रहेगा। लेकिन जैसे कि इससे पहले देखने को मिला है कि यह फिल्म बाहुबली सीरीज की दोनों फिल्मों में यहाँ पर प्रभास की आवाज बने थे शरद केलकर, और जैसे कि शरद केलकर की आवाज जो कि प्रभास की आवाज के तौर पर एकदम परफेक्ट रही थी, और इसमें जब फिल्म साहू में यहाँ पर प्रभास ने खुद अपनी आवाज दी तो ये किसी को जमा नहीं, और जैसे कि यहाँ पर प्रभास की आवाज जो कि उतनी परफेक्ट नहीं लग रही थी, खासकर जैसे कि प्रभास के बोले गए हिंदी डायलॉग जिनकी डायलॉग डिलीवरी उतनी कुछ खास नहीं रही। तो इसमें यहाँ पर काफी ज्यादा उम्मीदें तो बनी जाती है कि यदि केजीएफ चैप्टर 2 में भी यश जो कि अपनी आवाज खुद देते हैं तो यहाँ पर हो सकता है कि दर्शकों को ये आवाज उतनी अच्छी न लगे, क्योंकि जैसे कि इससे पहले केजीएफ चैप्टर 1 में यहाँ पर यश की आवाज के तौर पर हम सचिन गोले की आवाज सुन चुके हैं। तो इसमें फिलहाल तो देखने वाली बात रहेगी कि केजीएफ चैप्टर 2 में यश खुद अपनी आवाज देते हैं या फिर एक बार फिर से सचिन गोले से यहाँ पर यश की आवाज को डब किया जाता है। साथ ही और बॉलीवुड से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें।